प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान अंतर्गत देश के सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की शुरुआत सिलवासा नगर पालिका द्वारा भी कर दी गई है। सिलवासा नगर पालिका द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि 28 फरवरी से नई संपत्ति कर प्रणाली का लोकार्पण किया गया है। नई संपत्ति कर प्रणाली को नगर पालिका के स्थापना के बाद पहली बार संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। यह मूल्यांकन दानहा नगर परिषद विनियमन 2014 की धारा 115 की उपधारा 1 और 2 के तहत नगर परिषद ने 2018-19 से 2022-23 तक की आकलन सूची व्यापक घर सर्वेक्षण माध्यम से तैयार किया गया है। इस नियम के अनुसार हर 4 साल में संपत्ति का मूल्यांकन आवश्यक है। नगर पालिका में लगभग 31,000 संपत्तियों के सर्वेक्षण मैप माई इंडिया नामक कंपनी द्वारा की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में नपा के मुख्य अधिकारी मोहित मिश्रा, नपा अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान के साथ नपा काउंसिलर भी उपस्थित होकर मूल्यांकन सूची का विमोचन किया। इसके बाद इसको पूरा करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास मैप है। નગરપાલિકા વાસીઓ માટે બહુ જ ખુશીની વાત છે કે લગભગ 2006 નગરપાલિકાની સ્થાપના થઈ હતી, તે પછી 12-13 વર્ષ સુધી પ્રોપર્ટી સર્વે થયેલું નથી, તો અમે લોકોએ નક્કી કર્યું કે મેપમાં ઇન્ડિયા કંપનીને પ્રોપર્ટી સર્વે માટે અમે પ્રોપર્ટી સર્વે માટે લોકોને એન્ગેજ કર્યા અને હમણાં મોસ્ટ ઓફ પ્રોપર્ટી સર્વે થઈ ગયું છે। तो हम लोग प्रॉपर्टी सर्वे थी कि पीछे लोगों ने नोटिस आपसू के तमाम कोई प्रॉब्लम हो प्रॉपर्टी खोटी रीते कोई नंबर थी गई है या कोई बीजा नंबर से तो मैं 30 दिवस का टाइम लगे आम 30 दिवस टाइम में ए लोग अमने जी कहीं प्रॉब्लम है कैसे तो प्रमाण सुधारा कर सुधारा करूँ अने घर बैठा टैक्स भर ऑनलाइन सेवा मैं आप रहा है। तो मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हो कि इसमें हम लोगों को सपोर्ट करें और घर नंबर भी दिया जाएगा तो लोगों को सुविधा अच्छी रहेगी। तो मैं नगरवासियों को नगरवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि ये आप इसमें सपोर्ट दें और हमें आगे आगे जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें बढ़ोतरी करने के सहयोग दें। धन्यवाद। देखिए हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सिलवासा नगर पालिका ने आज 2006 से इसकी स्थापना होने के बाद आज फाइनली 2019 में इस बॉडी के नेतृत्व में प्रेसिडेंट साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पे पहली बार प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे करवाया है और इस प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे को हम लोग ऑनलाइन करने जा रहे हैं। हमारी इस प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे में 31,000 संपत्तियाँ जो नगर पालिका की है वो हमारी जद में आई हैं, हमारी सीमा में आई हैं। इस प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर की किस संपत्ति का कौन मालिक है, उस पर कौन रहता है, उसका क्या नंबर है, उसका क्या लोकेशन है, उसकी क्या क्लास है, सारी जानकारियां दी हुई हैं और ये असेसमेंट लिस्ट सिलवासा की वेबसाइट smcdnh.nic.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है और इसके साथ साथ हमारे सिलवासा नगर पालिका के दफ्तर में जो हमारा नया दफ्तर है, नया भवन बना हुआ है, उस दफ्तर पर भी इसकी 3 प्रतियाँ मौजूद हैं जिसको कोई भी व्यक्ति आके यहाँ से करेक्शन फॉर्म ले सकता है। इसके साथ साथ हम हर व्यक्ति को उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देने के लिए कि हमारी सर्वे के हिसाब से सूचना ये है, हमने प्राइवेट नोटिस भी भिजवाना चालू किया हुआ है और प्राइवेट नोटिस भी उनके पास में जाएगा और जिसको कोई भी आपत्ति है वो अपनी आपत्ति ऑनलाइन smcdnh.nic.in पर जाकर भी जमा कर सकता है, वहाँ से भी सारे कागजातों को डाउनलोड कर सकता है। अगर किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो वो ऑफलाइन में भी आकर उस नोटिस के साथ में भी करेक्शन फॉर्म आएगा, उसको भर के जमा करवा सकता है। इसके साथ ही साथ मैं प्रेसिडेंट साहब के द्वारा एक और वो भी बताना चाहूँगा कि हमारा वाटर टैक्स भी पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है और हर घर में कि उनका प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, पानी, कचरा या अन्य सभी समस्याओं का जो समाधान है वो घर बैठे हो सके और हर घर को एक अपना प्रॉपर हाउस नंबर मिले जो हाउस नंबर उस घर की लोकेशन को आइडेंटिफाई करे। अगर आपने अपना हाउस नंबर, ईजी सिटी कोड नंबर किसी घर पर भेज दिया
तो बंदा अगर गूगल पे उस नंबर को टाइप करके सर्च मारेगा तो आपका पता अपने आप गूगल मैप पे आ जाएगा। ऐसी प्रक्रिया करने जा रहे हैं हम लोग इस प्रॉपर्टी टैक्स रिजीम की ओर जा रहे हैं, और वो RFID टैगिंग हर घर की और हर घर का हाउस नंबर देना भी जल्दी हमारे द्वारा शुरू किया जाएगा। मैं भी समस्त जनता से अनुरोध करता हूँ कि इस नई प्रॉपर्टी टैक्स रिजीम में, जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंटलेबल है, इंटेलिजिबल है, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा आसान है, जिसमें टैक्स को भरना, अपनी समस्याओं को दूर कर पाना, उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं नगर पालिका का, और हम सबका सहयोग करें ताकि हम इसको सफल बना सकें।